सुनिए आज की कहानी अफजल और जागृति की जुबानी, जिसे लिखा है अफजल कलाम ने और जिसका नाम है माचिस है। ये कहानी है जैसलमेर के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था आलम का गांव। 1950 का वक्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। भीगी हुई पेड़ की शाख, नहाती हुई बारिश की चरचराहट में पेड़ों के पत्ते और कड़कती तूफानी बिजली, राजस्थान में ऐसी बारिश काफ़ी वक्फे के बाद हुई थी। सूखे से फसल का हाल बेहाल था और इस बारिश में फसल और ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी। आरिफ अपनी साइकिल की चेन खराब होने की वजह से बारिश में भीगते भीगते साइकिल हाथों से लिए अपने घर शहर से लौट रहा था। शहर से गांव जाना और आना एक सूखी नदी, जो अब पूरी तरह भरकर झरझरा रही थी, उस नदी के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनी के ज़माने का एक पुल बांधा गया था, जहां से अंग्रेज समुदाय के लोग गांव से राशन का लगान घोड़ों में सवार होकर अपनी कॉलोनी लाया जाया करते। या परवरदिगार, कल तो बारिश कम थी, अब इस पुल को पार करने में हिचकिचाहट हो रही है, आरिफ ने कहा। लेकिन करना तो पड़ेगा, कहीं फिसल ना जाऊं। ये पुल की लकड़ियां बारिश में भीग भीग कर पता नहीं कितनी कमज़ोर हो गई होंगी। जैसे तैसे आरिफ बेचारा साइकिल में लदे घर के राशन और सब्जियां लेकर ब्रिज पार करने लगा। आरिफ एक 30 साल उम्र का नौजवान साधारण गांव वाला था, दो छोटे छोटे बच्चे और एक प्यारी सी बीवी फातिमा जो घर संभालती थी। आरिफ उन्हीं के साथ आलम के गाँव में एक छोटे से घर में रहता था। आरिफ शहर में एक डाक घर में काम करता था, क्लर्क की नीची पोस्ट पर, और अपने गांव में उसे सब बड़े बाबू के नाम से जानते थे। अंग्रेज अब देश छोड़कर जा चुके थे, तो जो भी उनका बनाया हुआ बचा कुचा था, उसमें से कुछ सरकार और कुछ सारा गांव वाले अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते। घोर अंधेरे में सिर्फ हल्की हल्की बादलों से ढकी चांदनी रोशनी में आरिफ ने अपना टॉर्च निकाला और टॉर्च जलाकर पुल पार करना शुरू किया। दुआ पढ़ते पढ़ते आरिफ पुल पार ही कर रहा था कि अचानक पुल के आखिरी छोर पर उसे एक औरत बड़ी नज़ाकत भरे अंदाज में कुलाचे भरते हुए बैठी दिखी। पुल की आखिरी छोर पर एक छपरा लगा हुआ था, जिसके नीचे बैठी ये औरत ना जाने इतने रात में क्या कर रही थी। शायद पुल के उस पार जाना होगा उसे, और छपरे के नीचे बारिश से बचना चाह रही हो। माचिस है? जी, मैं बीड़ी जरूर पीता हूँ माजी, लेकिन माचिस नहीं है आज। इस भीगे हुए कुर्ते और इस थैली में अगर आपको माचिस मिलेगी तो ले जाइए। आरिफ माचिस ढूंढने लगा और कहा, माँ जी, क्या मैं आपको इतनी बुढ़िया दिखती हूँ? आपने पल्लू सर पे रखा है जी, कैसे समझूं आप कौन हैं? आपके ऊपर की जेब में माचिस भीगी नहीं है, जरा हाथ लगाकर ढूंढिए तो सही। उस चांद की हल्की हल्की रोशनी में ये औरत पल्लू लगाए भी किसी हसीना से कम नहीं लग रही थी, मानो चांद को काबू करके इस बारिश में उसकी रोशनी अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। अरे ऐसे कैसे, मैं तो पूरा भीगा हुआ हूँ। अचानक अपने लिबास के ऊपरी जेब पर आरिफ को माचिस बिल्कुल सही सलामत मिली, जैसे कि उसकी भीगी उंगलियों से भी उस माचिस पर एक बूंद न लगी हो। नोटों और कुछ चिल्लर पैसों ने शायद माचिस को बचा लिया था। अरे ये कैसे, आरिफ ने कहा, ये तो भीगी तक नहीं। आप मोहतरमा काफी खुशकिस्मत हैं, लीजिए माचिस। और इस अंधेरी रात में यहाँ छपरे के नीचे पुल के पार आप किसका इंतजार कर रही हैं? और माचिस लेकर दोनों ने एक एक बीड़ी छपरे के नीचे सुलगाई। आज तो साइकिल भी टूट गई, चेन निकल गई है, कितनी दूर चलना पड़ा, उफ ये बारिश। कौन सी चेन, यहाँ तो सब मजे में दुरुस्त है आपकी साइकिल, उस औरत ने कुलांचे भरते हुए बीड़ी की एक कश लेकर कहा। अरे ये कैसे, साइकिल की चेन तो निकल गई थी रामपुर में, आरिफ हक्का बक्का रह गया। जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां से औरत गायब हो चुकी थी। अरे ये चुड़ैल थी, मुझे तो लग ही रहा था। आरिफ तेजी से साइकिल पर बैठा और वहां से जितनी रफ्तार पकड़ सकता था पकड़कर अपने गांव आया। बारिश रुक चुकी थी और गांव के पास में आरिफ के कुछ दोस्त हर रात की तरह इस रात भी पान वाले मुच्छड़ की दुकान पर बीड़ी सुलगा रहे थे। अरे रहीम चाचा, संजय ताऊ जी, अरे वो बिलटिया, आरिफ दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर उनकी तरफ साइकिल दौड़ाते हुए पहुंचा। अरे अरे रुक, आराम से, रहीम चाचा ने साइकिल के आगे आकर साइकिल को रोका। क्या हुआ आरिफ, इतना परेशान क्यों है,
भूत देख लिया क्या? सब हंसने लगे। रहीम चाचा चुड़ैल चुड़ैल, आरिफ ने लंबी लंबी सांसें ली और सारी बातें बताई। अरे ये पगली औरत फिर घर से वहां चली गई लगता है, पान वाले मुच्छड़ ने दुकान से नीचे हड़बड़ाहट में उतर कर कहा। मैं कुछ समझा नहीं, आरिफ ने जवाब दिया। पीले रंग के लिबास में थी ना औरत, पान वाले मुच्छड़ ने पूछा। हाँ माचिस मांग रही थी, बीड़ी भी सुलगाई और अचानक गायब हो गई, आरिफ ने कहा। हे भगवान, इस औरत का क्या करूं मैं, पान वाले मुच्छड़ ने कहा। आप सब आइए मेरे साथ। चारों पान वाले मुच्छड़ के पीछे पीछे पुल की ओर बढ़े। रहीम चाचा, संजय ताऊ जी, आप लोग इस गांव के बड़े हैं, बस ये बात आप किसी को ना कहिएगा, पान वाले मुच्छड़ ने हाथ जोड़े। और आरिफ बेटा, तुम भी नहीं, और इस बिलटिया का तो भरोसा नहीं, पान वाले मुच्छड़ ने बिलटिया को एक सर पर चिपका दिया। अरे लेकिन बात क्या है, ये तो बताओ, मारे जा रहे हो आप बस, बिलटिया ने कहा। पुल के पास पहुंचे तो पुल की छोर पे छपरे के नीचे बैठी वो औरत पागलों जैसे हंस रही थी। अरे सुभद्रा, पान वाला मुच्छड़ उस औरत को मारने लगा। अरे चल घर, क्यों यहाँ अकेले बैठी है, और ये क्या बीड़ी की आदत सीख गई है। अरे अरे पान वाले मुच्छड़ चाचा, छोड़िए, क्यों मार रहे हैं, ये कौन है, रहीम चाचा ने कहा। मेरी बहू है, पान वाले मुच्छड़ ने कहा। अरे तो ये श्याम की बीवी है, रहीम चाचा ने कहा। श्याम ब्रिटिश सरकार की सेना में भर्ती एक सिपाही था जो इंडो ब्रिटिश के लिए सिपाही का काम करता। उसने आज़ादी के आखिरी वक्त में अपने देश के लिए ब्रिटिश सरकार से गद्दारी कर डाली थी, जिसकी सजा श्याम को सजाए मौत मिली। और सुभद्रा, जो कि श्याम से बेहद प्यार करती थी, उसकी मांग उजड़ने पर धीरे धीरे पागल होती चली गई। ये तो अपने भाई के घर पे थी ना, इसकी मानसिक हालत खराब है क्या, आरिफ ने पूछा। अंधेरे में आइए ना, आपको बताती हूँ मानसिक हालत। सुभद्रा हंसते हंसते कहने लगी, जैसे दिल पे लगे पति के गुजरने की मार ने सुभद्रा को बेखौफ बना दिया था। आप चलिए इनको लेकर, मैं तांगा बुलाता हूँ, संजय ताऊ जी ने कहा। अरे बिलटिया अरे, जा जाके तांगा ले आ, और मुंह नहीं खोलना कहीं, अपने पान वाले मुच्छड़ की इज्जत का सवाल है, संजय ताऊ जी ने कहा। आरिफ के बगल से जाते वक्त सुभद्रा आरिफ को इस नशीले अंदाज में देख कर गई जैसे आरिफ को नोच खाएगी। जिस्मानी रूप से सुभद्रा काफी नायाब किस्म की औरत मालूम पड़ती थी, जैसे कोई कोठे वाली तवायफ हो, पर मजबूरन बिचारी की किस्मत नायाब ना निकली। आरिफ संजय ताऊजी के साथ अपने घर आया। पान वाला मुच्छड़ अपनी बहू को छिप छिपाते रहीम चाचा और बिलटिया के साथ उसके घर ले गया। आइए संजय ताऊजी, अंदर आइए। अरे ओ फातिमा, खाना लगा दो, संजय ताऊजी आए हैं, आरिफ ने कहा। जी नमस्कार ताऊजी, आइए खाना लगा देती हूँ, बिस्मिल्लाह करिए। अरे फातिमा बेटा नहीं। अरे आरिफ खाना हो गया है मेरा, अगर शाम की थोड़ी चाय बची हो तो वो ले आना, तू बैठ खाना खा ले। अच्छा शाम की चाय छोड़िए ताऊ जी, मैं नई बना देती हूँ, फातिमा ने कहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू शाम की चाय बची हो तो गर्म कर ले आ, ताऊ जी ने कहा। बच्चों ने अपने पिता आरिफ और संजय ताऊ जी के लिए कुर्सियां लाई। अरे वाह, बड़े बड़े हो गए हैं ये, संजय ताऊ जी ने दोनों बच्चों को एक एक टॉफी निकाल कर दी और कहा। जी ये जो आज हादसा हुआ, आरिफ ने हुक्का सुलगाते हुए कहा। क्या हुआ ताऊ जी, किसकी बात कर रहे हैं, जी सब ठीक तो है, फातिमा ने कहा और रसोई के अंदर चली गई। ये बहुत अजीब नहीं लगा ताऊ जी, आरिफ ने कहा। मैंने तो आज पहली बार इसकी बहू को देखा है, सुना था शाम के गुजरने के बाद अपने भाई के पास रहती थी, मानसिक हालत खराब थी इसलिए भाई और उसकी बीवी ज्यादा संभाल नहीं पाए, और तू तो जानता है आरिफ, अगर सरकारी पागल खाने में डाल दिया जाए तो ये बेचारी बचेगी नहीं। लेकिन ताऊ जी ये सब तो ठीक है, पर मेरी साइकिल की चेन तो निकली हुई थी, अचानक कैसे बन गई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तू हाथ से चलाते चलाते आ रहा होगा ना, वैसे ही इतनी कीचड़ कादो पार करके पुल की तरफ आना पड़ता है ना बरसात में, समझा नहीं होगा तुझे चेन कब लग गई, ताऊ जी ने कहा। जी ये हो सकता है, आरिफ ने कहा और दोनों हुक्का पीने लगे। सुबह हुई, रोज की तरह आरिफ शहर की तरफ निकला। अरे ओ पान वाले मुच्छड़ जी, सब बढ़िया ना, आरिफ ने पूछा। हाँ सब ठीक है, लाओ माचिस, बीड़ी तो जलाया जाए, आरिफ ने कहा। आपकी बहू सही है, आरिफ ने पूछा। हाँ हाँ वो पगलेट, काफी परेशान हूँ आरिफ, बुरा लगता है उसकी ओर देखकर, अब सब एकदम आजिज आ गया हूँ। उसके घर वाले कहते हैं तेरी बहू है, रिवाज के खिलाफ होगा अगर हमारे पास रहे, और उसकी हरकतों से कभी कभी डर लगता है।
कल ही लाया था उसको उसके भाई के घर से। अब बांध तो नहीं सकता ना पगलेट को, कभी भी कुछ भी करती है। एक बार एक आदमी के साथ गैर संबंध बनाते हुए पकड़ी गई थी। कभी कभी दीवारों से अकेले बात करना, अचानक रात में चीखना चिल्लाना, दिन भर बस बाहर झांकते रहना, शाम शाम करते रहना, श्रृंगार करके कहीं भी बैठ जाती है, फिर खोजने निकलना पड़ता है। कोई बात नहीं पान वाले मुच्छड़, ठीक हो जाएगा सब। दूसरी शादी ऐसी हालात में मुमकिन तो नहीं, लेकिन शहर जाके मैं कुछ डॉक्टरों से बात करूं, आरिफ ने पूछा। हाँ जा, देख कुछ और हो आरिफ तो बता बेटा, बड़ा परेशान हो गया हूँ 4 साल से, पान वाले मुच्छड़ ने माचिस जलाकर बीड़ी सुलगाते हुए आरिफ से कहा। आरिफ अपने काम के सिलसिले में शहर चला गया और इस बार फातिमा ने आरिफ को छाता देकर कहा, बेमौसम बरसात हो सकती है, छाता लेकर जाइएगा। वही पुरानी पुल, वही पुरानी साइकिल और कुछ दफ्तर के कागजात लेकर आरिफ निकल पड़ा। शाम के 7 बज गए थे, आरिफ के घर निकलने का वक्त हो गया था। अरे सुनील भाई जी, मैं निकलता हूँ, बाकी कल आप सिहाई ले आना, पेन की सारी सिहाई खत्म हो गई है, आरिफ ने अपने प्यून सुनील से कहा। जी ठीक है साहब, ले आऊँगा, आप अभी निकल जाइए तो बेहतर है, काफ़ी वक्त हो गया है, प्यून ने कहा। अच्छा सुनिए पोस्टमास्टर साहब, आरिफ ने प्यून से बोला, आप मेरे गांव की चिट्ठियां मत देने जाइएगा कल, मैं दे दूंगा। ये पान वाले मुच्छड़ की चिट्ठी तो 4 दिन से पहले ही आई हुई है, मुझे बता देते मैं दे देता। जी वो मैं निकलते निकलते बस रह गया आरिफ भाई, अच्छी रेनकोट नहीं है ना मेरे पास, बारिश आती तो चिट्ठियाँ भीग जाती, प्यून ने कहा। अरे इतनी सी बात, अच्छा चलिए मैं कल आपके लिए एक नई रेनकोट ले आऊँगा, आरिफ ने प्यून से मुस्कुरा कर कहा। नहीं सच में, प्यून खुश हो गया। चलिए निकलता हूँ सुनील भाई जी, अपना ख्याल रखेगा, कल धनतेरस की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, दफ्तर में प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है, आरिफ ने कहा और साइकिल निकाल कर अपनी घर की ओर बढ़ा। वही रात, वही मूसलाधार बारिश, तितर बितर होकर एक हाथ में छाता पकड़े और एक हाथ से साइकिल की हैंडल संभाले आरिफ पुल पार पहुंचा तो उसे ना जाने क्यों ये पुल का हादसा बार बार याद आ रहा था। पुल क्रॉस करते ही एक आवाज आई, अरे बड़े बाबू आज माचिस नहीं देंगे? भीगी हुई साड़ी में सुभद्रा का जिस्म, भीगे बदन, छाती की उठन पर ब्लाउज बिल्कुल चिपका हुआ एक नजाकत भरी खूबसूरत अदा लिए सुभद्रा ने आवाज दिया। अरे अरे आप तो भीग रही हैं, आरिफ ने अपना छाता निकालकर सुभद्रा का सर छिपाया। उसकी छाती की उठन आरिफ के बदन से चिपक गई, एक बिजली सी आरिफ की ओर दौड़ी। लाहौल बिलाकुवत, आप थोड़ा सा उस ओर हो जाइए, सुभद्रा जी मैं शादीशुदा हूँ, ये सब शोभा नहीं देता। आप तो शर्मीले मालूम पड़ते हैं, सुभद्रा ने बड़े ही हराम किस्म के लफ्जों से कहा। आरिफ रुक गया और उसकी आंखें सुभद्रा की आंखों से मिल गईं और पॉकेट से माचिस का बॉक्स, जेब से बीड़ी की पैकेट निकालकर अपने आप मदहोशी में गुम हुआ आरिफ, सुभद्रा के होंठों पर एक बीड़ी रखते हुए आरिफ ने माचिस जलाई। आरिफ मदहोशी में लीन हो गया, अपने आप को संभाल ना पाया और सुभद्रा ने आरिफ के मुंह पर एक धुएं का कश फूंक डाला। आरिफ को समझ ना आया और बिजली तूफान भरी बारिश में अब आरिफ के अंग अंग पर दौड़ने लगी। सुभद्रा मानो आरिफ से लिपटी और अपने होंठों को आरिफ के कानों पर लगाकर कहा, इस छपरे के पीछे काफी अंधेरी सी जगह मालूम पड़ती है, वहां इस जिस्म को नोच खाइए बड़े बाबू। आरिफ अचानक पीछे हटा, अरे नहीं ये क्या कर रहे हो आप सुभद्रा, अपने हद में रहिए, आरिफ ने उसका कंधा पकड़ा। तब आरिफ को किसी तरह की जिस्म छूने वाली बिजली का एहसास नहीं हुआ। यहाँ बैठिए आप और यहीं रहिए, आप सच में मुझे पागल मालूम पड़ती हैं, माफ़ करिएगा, घर जाने का वक्त हो रहा है, आरिफ ने गुस्से में सुभद्रा को छपरे के नीचे बिठाया और बरसात से बचाते हुए कहा, यहीं बैठिए मैं पान वाले मुच्छड़ को बुलाता हूँ। सुभद्रा पागलों जैसे मदहोशी में हंसती रही, जैसे नशे में धुन, पता नहीं उसे क्या हुआ हो। आरिफ गुस्से से पान वाले मुच्छड़ की दुकान पर पहुंचा। पान वाले मुच्छड़, तेरी बहू फिर वहां बैठी है, उसकी अश्लील हरकतें समझ नहीं आती। अरे पान वाला मुच्छड़, अरे छोटू पान वाला मुच्छड़ कहाँ है, आरिफ ने दुकान पर बैठे छोटू से पूछा। पान वाले मुच्छड़ को पुलिस उठाकर ले गई, पीछे संजय ताऊजी और बिलटिया दौड़ते दौड़ते आए। अरे क्यों क्या हुआ ताऊजी,
आरिफ ने सहमते हुए पूछा। पता नहीं कल रात में घर पर क्या तमाशा हुआ उसके, बिलटिया ने कहा। बेटा आरिफ, पान वाले मुच्छड़ से ये उम्मीद नहीं थी, ताऊजी ने बिल्कुल निराशा भरे चेहरे से कहा। अरे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है, आरिफ चिढ़ गया। ताऊजी साफ साफ बताइए, आरिफ ने कहा। अरे पान वाला मुच्छड़ जानवर साला, तूने तो देखा है ना आरिफ कैसे तवायफ वालों जैसी जिस्मानी अंगड़ाइयां लेती है वो पगलैट सुभद्रा। कल घर में पान वाला मुच्छड़ जब उसको लेकर गया तो वहां कुछ जिस्मानी हरकत की होगी वो लड़की, और बीवी घर में नहीं होने के कारण मौका देखकर सुभद्रा का बलात्कार किया पान वाले मुच्छड़ ने, और जब सुभद्रा वहां से भागी तो उसे जलाकर रात में वहीं पुल के बहते पानी में फेंक दिया पान वाले मुच्छड़ ने। आज छास गांव में लाश मिली उसकी। पान वाले मुच्छड़ को उठाकर लेके गए हैं पुलिस वाले, ताऊजी ने कहा। आरिफ के सामने पूरा गांव जैसे घूम गया और आरिफ चक्कर खाकर गिर गया। सब परेशान हो गए और आरिफ ने बताया कि वो अभी ही मिली थी उसे। अब हकीकत में डायन बन चुकी सुभद्रा से आरिफ का आमना सामना हुआ था। अरे उठो उठो आरिफ, क्या हुआ? बिलटिया तांगा बुलाओ। तू चल बिलटिया आरिफ को अस्पताल लेकर, मैं रहीम चाचा और फातिमा को लेकर आता हूँ, ताऊजी ने कहा। आरिफ का छोटा सा बस्ता उठाकर ताऊजी दोनों को बुलाने निकले। होश आया तब आरिफ के सामने संजय ताऊजी, रहीम चाचा, बिलटिया और फातिमा समेत उसके बच्चे खड़े थे। क्या हुआ था मेरे साथ, आरिफ जुबान से लड़खड़ा गया। आप बात करने की कोशिश मत करिए, अब सब खैरियत है, हम तो कितना घबरा गए थे, फातिमा ने कहा। दोनों बच्चे पापा की खैरियत लेने आरिफ के पास आए। तेरे बस्ते में पान वाले मुच्छड़ की चिट्ठी मिली थी, शायद तू देने आ रहा था डाक से लेकर। पान वाले मुच्छड़ की चिट्ठी पढ़ी हमने आरिफ, सही में वो औरत ने बहुत पागलपन किया था। उसके भाई ने सब लिखा था चिट्ठी में, और उसको यहाँ पान वाले मुच्छड़ के पास भेजने का कारण यही था कि वो शाम को खोने के बाद हर आदमी में शाम को ढूंढती, और तुझे मालूम है ना वो कौन थी, एक कोठे वाली। शाम उसी के पास जाया करता था अपनी जवानी में, और उस कोठे वाली को शाम से प्यार हो गया। फिर अच्छी जिंदगी थी, लेकिन शाम बेचारा देश के लिए कुर्बान हो गया और ये पागल हो गई। फिर धीरे धीरे पागलपन इतना बढ़ा कि ये हर मर्द से अपने पुराने काम को अंजाम देती शाम समझकर, और यही सबसे उसके भाई और भाभी पे बहुत असर हो रहा था। मायके वाले उसे रखना नहीं चाहते थे और इज्जत का सवाल था, इसलिए पागल खाने में दाखिला नहीं दिलवा सकते थे। इसलिए सुभद्रा के भाई ने पान वाले मुच्छड़ के घर उसे भेज दिया था, लेकिन चिट्ठी से पहले ही पान वाले मुच्छड़ को खबर मिल गई थी तो वो खुद लेने आ गया सुभद्रा को। और देखो इसीलिए ले आया होगा, अपनी प्यास बुझाने, और क्या, कमीना पान वाला मुच्छड़ बिचारी को जलाकर मार दिया। आरिफ को झटका लगने पर हल्का लकवा मार गया था, लड़खड़ाते जुबान से आरिफ कुछ बोल ना पाया। फातिमा ने आरिफ को खाना खिलाया और फातिमा वहीं आरिफ के पास सो गई। दोनों बच्चे बिलटिया के साथ उसके घर चले गए। फातिमा आरिफ का सर निहारते निहारते सो गई। अब कैसी है तबीयत? नर्स वार्ड में आई और सलाइन की बोतल चेंज करने लगी। फातिमा की आंख लग चुकी थी। आरिफ ने टेढ़े होंठों से इशारा किया, सब खैरियत है। अभी वाइफ को बोलो नीचे सोने के लिए, बहुत प्यार करती है तुमसे लगता है। आरिफ टेढ़े मुंह से मुस्कुराया कि जाते जाते नर्स ने कहा, और बड़े बाबू माचिस है?